लक्ष्मी, आज का पवित्र दिन आपने हमें इस जीवन में दिया, हम सब मिलके आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सबको आज के धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश नो मनाइए, गणपति जी गणेश।
जी बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जुकाम खांसी जी, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। हां मौसम चेंज, मौसम चेंज से जरा परेशानी। श्री सुखदेव महाराज को सादर नमन। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हम सब यहां मिलके आपको साष्टांग नमन करते हैं। आपको हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज का ये शुभ दिन आपने हमें बख्शा। अपना सिमरन करने के लिए आपने हम सबको चुना। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही कृपा, ऐसा ही प्रेम सदैव बना के रखें। आज शुभ धनतेरस का दिन, बहुत बहुत मुबारक हो। हे नारायण, आपने ये शुभ दिन दिखाया। हम सब के जीवन में ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। माँ लक्ष्मी की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। कल श्री सुखदेव जी ने हमें बहुत अच्छा बताया कि हे जन, हे नर, हे नारी, तू अपने तन को सजाता है। तन को सजान मत, तन को सजाने की कोई जरूरत नहीं। ये तन हमारे साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? ये मन, ये मन। मन को हमें ऐसा बनाना है, चंचल होता है ना हमारा मन, कितना कहीं पे टिकता नहीं, टिकता नहीं, माया के आवेश में सदैव बहता रहता है। जहां कहीं कुछ अच्छा नजर आया तो उसे लेने का मन करेगा, उसे पहनने का मन करेगा। कुछ जीव रसना को, कोई स्वाद अगर अभी मन किया कि मैं ये खा लूं, तो उसी वक्त उसको खाने का है कि मुझे वो खाना है। लेकिन कभी मन ये नहीं कहता कि हे जन, तू थोड़ी देर बैठ, शांत होके तू अपने प्रभु में ध्यान लगा। ऐसा तो कभी बोलता ही नहीं हमें मन। तो क्या कहते हैं श्री भागवत हमें कि प्रार्थना किया करो। क्या प्रार्थना किया करो? हे शंभु, हे कन्हैया, हे देव, हे देवी, हमारे जो भी इष्ट हैं, श्री भागवत कहते हैं कि हे शंभु, आप मेरी आत्मा है। हे प्रभु,
आप हमारी हम सबकी आत्मा में ईश्वर विराजमान है ना, हम सबकी आत्मा में। कहते हैं भगवान, कहते हैं वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। हम लोगों को देखते हैं और लोगों को भी हम उन नेत्रों से नहीं देखते जिन नजरों से ईश्वर हमें कहते हैं देखो। अगर हम ईश्वर रूपी नजरों से देखेंगे तो हमें ठाकुर जी हर किसी में नजर आएंगे, आएंगे ना नजर। कहते हैं श्री सुखदेव जी, प्रार्थना कीजिए कि हे शंभो आत्मा त्वम, आप मेरी आत्मा है, गिरिजा मति ही, जो बुद्धि है मेरी वो पार्वती है। जब हमारी आत्मा शंभु होगी, बुद्धि पार्वती होगी, तो क्या कभी कुछ गलत हो सकता है? हम कभी सोच भी नहीं सकते। सहज रहा प्राणहा, प्राण आपके गण है, जितने शिव जी के जो गण है वो हमारे प्राण है। शरीरम गृहम, शरीर आपका मंदिर है, कहा है ना कि मेरे शरीर में, हम सबके शरीर में ईश्वर बैठा है, तो ईश्वर का कहाँ है स्थान? हमारा मन, हमारा शरीर ही तो उसका स्थान है। और हम अपने शरीर को सजाते हैं, कभी हमने मन को तो साफ करने की कोशिश ही नहीं की कि वहां बैठे हैं प्रभु जी, हमें देख रहे हैं। हमने कभी नहीं झांका वहां, कभी नहीं झांका वहां कि हे नारायण नारायण कहते हैं, कभी एक बार मेरी तरफ तो देख, पर हम देखते नहीं। पूजा ते विषयों उपभोग रचना, सभी विषयों उपभोगों की रचना आपकी पूजा है। जो भी आपने हमें सांसारिक सुख दिए हैं, जो भी हम विषय भोग करते हैं, हम उसी भावना से करें कि हम घर का एक छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो वो हम प्रभु की सेवा हितार्थ करते हैं। हम कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा कोई कार्य करता हमको जो हमारा मन आत्मा कहे कि ये गलत है। कई बार अगर कुछ सोच भी आती है कि हम कुछ ऐसा करें, परंतु ईश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देते। वो उसी क्षण हमारी आत्मा में बात लेकर आते हैं कि ये गलत है। अब वो हमारा मन है कि वो हमें ईश्वर के चरणों की तरफ ले जाएं या अधोगति में गिरा दें, गड्ढे में गिरा दें। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं तो क्यों ना अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे, मैं उसे अपने आप चलाऊंगा। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा एक समाधि है। संचारह पदयो प्रदक्षिण विधि, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है। अर्थात कितना अच्छा मतलब है कि मेरा हलन चलन से तात्पर्य कि जो भी मैं चलती हूँ या मेरे द्वारा जो भी मैं, किस वातावरण में रहती हूँ, मेरा क्या व्यवहार है सबके साथ, मेरा हलन मेरा चलन वो ऐसा हो कि जैसे मैं आपके मंदिर की तरफ परिक्रमा करते हैं ना, तो वो उस तरीके की परिक्रमा हो। जब मैं हर काम को ईश्वर के उससे हम सब करेंगे तो वहां कुछ गलत होगा नहीं। हर काम हर सेवा, अगर हम किसी वक्त धूप बत्ती जला के नहीं भी बैठे तो भी हमारे समस्त कार्य ऐसे हो कि वो प्रभु के चरणों में हो, तो वो कहेंगे हमें धूप बत्ती की कोई जरूरत नहीं, धूप बत्ती की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा प्रेम। हर कार्य वो प्रेम वश हो, हर कार्य प्रेम वशो। स्तोत्राणी सर्वा गिरोहो, मेरे सभी शब्द जो भी हम बोले वो आपके स्त्रोत हो, वो आपके शब्द हो। हे ठाकुर जी, हम जो भी इस वाणी से बोले, हमारे कान जो भी सुने, सदैव आपकी कथाएं हो, आपके गीत हो, आपके भजन हो, सदैव आपके गीत आपके भजन हो। यद्यत कर्म करोमि इस भांति तत् दखलम शंभो तवाराधनम, इस भांति मेरी सभी क्रियाएं, हे ईश्वर मेरी सभी क्रियाएं आपके लिए आराधना रूप हो, ऐसी कृपा कीजिए।
व्यास जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हर किसी जन को ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमें कैसे पूजा करनी है, हमें कैसे मनाना है। कम से कम हम ईश्वर से इतना तो कह सकते हैं, नाथ जहाँ सज्जन पुरुष जिस रास्ते का चयन करें, आप हमें उसी रास्ते पर चलाएं, आप हमें उसी रास्ते पर चलाएं, कभी कोई गलत काम हम ना करें, सदैव हम नीवे होके रहे, नम्रता हमारे में हो, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो, कभी किसी के प्रति। और जब हमारा कल हमने देखा था, श्री व्यास जी ने हमें बताया, सुखदेव जी ने बताया, किसी ने आपको कहा कि इस लड्डू में जहर है, तो क्या हम खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, नहीं खाएंगे। तो कहते हैं श्री भागवत, हमें कहते हैं आप अपने मन को समझाइए, जिस मन की वो लालसा कर रहा है, अगर वो आपको पता है वो उपयोगी नहीं है, तो उसे बताइए कि इसमें जहर है। हम अपने मन को समझाएं कि जिन विषयों में जहर है हमारे मन, तो इधर उधर की बातों में क्यों लगे। हम किसी ने हमें किसी की बात कही, कितना भी हम सोचे लेकिन हमारे मुख से कोई एक बात अवश्य निकलेगी, निकलती है ना हमेशा। तो इससे अच्छा हम उतना वक्त क्यों ना कथाओं में, सत्संग में निकालें, हरि नाम में। हम घर में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन जब हम घर में काम करें तो भी हम नारायण नाम लेके करें। जब नारायण नाम लेके कोई भी कार्य होगा, सदैव 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 सुखकारी होगा। जब हम रोटी बनाते हैं, अगर हम सब्जी जैसे हमने चढ़ाई, मसाला भूनते हैं, सब करते हैं, अगर तब भी हम कहें हे हरि, ये आपका ही प्रसाद है, हे नारायण ये सब आप ही बनाने वाले हैं, आपका ही प्रसाद है। सचमुच देखे, कोई मसाला हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन वो स्वाद देने वाला वही है, वो स्वाद देने वाला वही है। माँ लक्ष्मी का दिन है आज, एक बहुत पौराणिक कथा है, प्रेम के वश। प्रेम के वश एक सेठ सेठानी, चार पुत्र वध हुए, बड़े प्यार से रहते थे, बड़े प्यार से पूरा परिवार रहता था। एक बार उनके घर पर लक्ष्मी बहुत संपन्नता से, उनके घर में बड़ी सुकून से थी। एक बार सेठ जी से किसी अपने दुकान पे कार्य करने वाले व्यक्ति ने कहा उनसे, सेठ जी मेरे घर में कुछ समस्या है, मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। कई बार होता है मालिक लोग जो अपने वर्कर्स हैं उन पर विश्वास कम करते हैं, उन पर विश्वास कम करते हैं, लेकिन वर्कर्स के सहारे मालिक जो उस मालिक के पद तक पहुंचा है, वर्कर्स के सहारे होता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई वर्कर झूठ भी बोलते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो सेठ को लगा ये बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। सेठ ने उस वक्त कहा, आज मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। और उस वक्त उस व्यक्ति की माता जी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन सेठ ने उस दिन अपने वर्कर को पैसे नहीं दिए, वर्कर को पैसे नहीं दिए, और उसकी माता इलाज ना करवाने के कारण शरीर छोड़ दिया उन्होंने। बहुत दुखी था। इस बात को देखकर मां लक्ष्मी सेठ से रुष्ट हो गई, सेठ से रुष्ट हो गई। जब सेठ को पता चला कि उस व्यक्ति की माता नहीं रही, सेठ ने बड़ा पश्चाताप किया कि मुझे नहीं पता था। लेकिन सेठ ने यह भी कहा कि तेरी मांगने की इतनी आदत थी, मुझे लगा हर वक्त तू मुझसे झूठ बोलता है। मैं सच कहता हूँ, मैं मन से कभी ऐसा नहीं चाहा मैंने। लेकिन सेठ ने कहा, तेरे परिवार का अब जितना भी खर्चा होगा, तेरे परिवार का जितना भी खर्चा होगा वो मैं करूंगा। सेठ ने उसको घर बना के दिया, उसको सदैव ये कहा, जीवन भर तू मेरे यहाँ काम करेगा जब तक मैं जीवित हूँ। उसने अपने लिए अपने प्रति कर्तव्य, जो उसको लगा कि मेरा क्या कर्तव्य था, वो किया। लेकिन फिर भी सेठ अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उसी रात उसे सपने में आया कि माँ लक्ष्मी कह रही है मैं तुझसे रुष्ट हो गई।
आज मैं तेरा घर छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा माँ लक्ष्मी ने कहा। सेठ बहुत समझदार था, बहुत प्रेम से पूजा करता था, बहुत प्रेम से लक्ष्मी को बड़ा मानता था, माँ लक्ष्मी को। उसने माँ लक्ष्मी को कहा, माँ लक्ष्मी आपको तो कोई कभी रोक ही नहीं सकता, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी एक प्रार्थना मान लीजिए। लक्ष्मी ने कहा, बोल। तो कहा कि मेरे परिवार में, हर जगह ऐसा होता है, उस परिवार में ज्यादा लड़ाइयां झगड़े होते हैं जहाँ धन की कमी होती है, और जहाँ धन होता है वहाँ प्रेम प्यार बना रहता है। दूसरे तरीके से ये भी देखा जाता है, जहाँ धन होता है वहाँ रिश्तेदारी भी ज्यादा होती है ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे सेठ जी ने क्या कहा, हे लक्ष्मी माँ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। लक्ष्मी माँ ने कहा, बोलो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, आप जा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, लेकिन मेरे परिवार में से प्रेम कभी खत्म ना होने पाए, मेरे परिवार में से प्रेम कभी खत्म ना होने पाए। माँ, चाहे हम भूखे रह ले, तेरे बिना हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें पता है पैसा नहीं होगा, कहाँ से आटा दाल चावल कहाँ से आएगा, तेरे बिना मुझे पता है हमें रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन माँ इतनी कृपा कर जा कि इस घर में कभी प्रेम का अभाव ना हो, प्रेम रहे। ठीक है, आप धीरे धीरे देखिए, जब लक्ष्मी उसके मंदिर से ही हट गई, मूर्ति अपने आप अदृश्य हो गई, सेठ जी के मंदिर से, सेठ जी की आंखों से अश्रु आए, सेठ जी का काम धीरे धीरे कम होता गया। और घर में एक बार क्या हुआ, घर में जैसा भी आता सेठ जी जो कमा के लाते खाना बनता, कोई किसी से कभी शिकायत नहीं करता किसी चीज की कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। एक शाम को सब अपने अपने कामों में लगे, बहुत बड़ा घर है सेठ जी का, खिचड़ी चढ़ाई उनकी सबसे बड़ी बहू ने, खिचड़ी चढ़ा दी, नमक वगैरह जो डालना है वो डाल दिया और अपने कार्य में लग गई। उससे छोटी बहू आई, उसने सोचा दीदी खिचड़ी चढ़ा गई, पता नहीं नमक डाला है कि नहीं, उसने चम्मच भर के नमक डाल दिया, काम में लग गई। तीसरी बहू आई, दोनों दीदी काम कर रही है, मैं देखूं जरा नमक डाल देती हूँ, खिचड़ी में नमक नहीं, खाली पतीले में पक रहा था। तीसरी बहू ने भी उसमें चम्मच भर के नमक डाल दिया, क्योंकि 8-10 जने हैं घर में, खिचड़ी ज्यादा बनती है। चौथी बहू आई, उसने भी नियम अनुसार उसमें नमक डाला कि हो सकता है दीदियों ने नमक डाला हो कि नहीं। अब सेठानी आई, कहती है मेरी बहू में बहुत काम में व्यस्त है, हिलाने लगी खिचड़ी और एक चम्मच नमक डाल दिया, कितना नमक डल गया उसमें देखिए। जब खाना बन गया, सेठ जी दुकान बढ़ा कर आए अपनी, टेबल पे बैठे, भोजन परोसा गया, हे भगवान आपकी कृपा से हमें भोजन मिला है। सेठ जी कहते हैं, इस अभी सेठ जी कर रहे हैं सिर्फ भोजन कि हे प्रभु आपकी कृपा से मिला है, हे ठाकुर जी इसके लिए धन्यवाद, आप ये भोजन सबको दे जिन्हें अभी तक नहीं मिला। ये नियम हम सबको भी बनाना चाहिए अपनी जिंदगी में, चाहे हम नाश्ता करें, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम खाने और नाश्ते के बीच में भी कभी ना कभी हम कुछ खाना खाते हैं, चाय पिए, तो हमेशा हमारी यही प्रार्थना रहे कि हे ईश्वर हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सब दिया हमें, और जिनको नहीं मिला उन्हें भी दीजिए, ईश्वर ने ही देना है। लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे तो इससे ईश्वर को बड़ी शांति मिलती है कि हम कम से कम धन्यवाद देते हुए किसी अन्य के बारे में सोचते तो है, कम से कम इतना ही कर ले हम। सेठ जी ने धन्यवाद करके जैसे ही एक चम्मच खाया, उनको लगा इसमें बहुत नमक है, बहुत कड़वा। सेठ जी के मन में आया कि जो बुराई है मेरे घर में प्रवेश कर चुकी है, अर्थात लड़ाई झगड़ा अनिष्ट, अनिष्ट। सेठ जी कहते हैं, अगर मैंने रत्ती भर भी अपने मुंह से आवाज निकाली ना तो लड़ाई होनी निश्चित है, लड़ाई होनी निश्चित है, क्योंकि घर इतना बड़ा परिवार है और मैं बोलूंगा सबसे बड़ा हूँ,
तो अन्य लोग भी आपस में बोलेंगे, सेठ जी ने चुपचाप वो सारी खिचड़ी खा ली, सारी खिचड़ी खा ली और प्रणाम करके थाली को और चले गए अपने। बड़ा बेटा आया, बड़े बेटे ने एक चम्मच खाया, सामने बहू खड़ी थी, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? जी जी स्वामी खा लिया। क्या कुछ कहा पिताजी ने? नहीं पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा। क्यों स्वामी, कोई बात थी? बड़े बेटे ने सोचा, जब पिताजी ने खा लिया तो इसका मतलब जरूर कोई कारण होगा, मुझे भी कुछ नहीं कहना चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं कहना चाहिए, चुपचाप खाना खा लिया। चारों बेटों ने इस तरीके से खाना खाया, इस तरीके से ईश्वर को धन्यवाद करके चारों बहुओं ने ऐसे खाना खाया, सेठानी ने ऐसा खाना खाया, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा कि आज खाने में नमक ज्यादा हुआ। पांचों बहुओं के मन में है कि शायद मेरे से गलती हुई है, हमें हमारी गलती को सुधारना है और पांचों के प्रति, पांचों बहुओं के प्रति अपने पूरे परिवार के लिए श्रद्धा और प्रेम और बढ़ गया कि मैंने ऐसा खाना बनाया फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें नमक इतना ज्यादा था, कड़वी खिचड़ी हो गई, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हे प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे ऐसा परिवार दिया। देखिए इतनी और हम, हमारी जीभ में कैसे है कि हमने दाल बनाई है या आलू की सब्जी तो बच्चे कटोरी पीछे कर देते हैं, कटोरी पीछे कर देते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन ही नहीं मिलता। हमें भोजन तो मिलता है और आज उस परिवार में वो खिचड़ी कड़वी है बिल्कुल, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। ये प्यार हर घर में होना चाहिए। अगर किसी चीज की कमी भी है, अगर किसी चीज की कमी भी है तो कभी कभी हमें उस कमी के साथ भी चलना चाहिए। ना जाने ईश्वर जो करते हैं हमारे लिए वो सदैव हमारे भले के लिए होता है। ईश्वर, हम अपना स्वयं बुरा जरूर कर सकते हैं लेकिन ईश्वर हमारा बुरा कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे ईश्वर हमारा बुरा। सब खाना खाके वो हाथ धोके ईश्वर को धन्यवाद करके सोए और जब सेठ जी सोए तो वो जो अनिष्ट था उसके सपने में आया, सेठ उठ। सेठ ने हाथ जोड़े, नम्र है बिल्कुल, नम्र है बिल्कुल, अनिष्ट उसके आगे लंबे लंबे दांत उसके, अनिष्ट माने बुराई, हर तरीके की वो बुराई जो हमें एक दूसरे के प्रति भड़काती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा करती है, हमारे मन में वो बुराई पैदा करती है कि हमने इससे लड़ाई क्यों नहीं की अभी तक, ये ऐसे अच्छा सामान ले क्यों आया, या इसने गलत किया है तो मैंने इसे अभी तक डांटा क्यों नहीं, ये अनिष्ट है। अनिष्ट को देखा सेठ जी ने तो हाथ जोड़ के, जी आप कौन बताएं, मैं अनिष्ट हूँ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सेठ कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सेठ कहते हैं मैं तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ। सेठ कहते हैं क्या मेरे से कोई गलती हो गई, मैं क्षमा चाहूंगा। अनिष्ट जी बुराई को भी कह रहे हैं क्या, इसका मतलब है जो बुराई है उसको सदैव हमें अपने से दूर करना है, बुरे व्यक्ति को नहीं उसकी बुराई को दूर करना है हमें, हम उसे समझा सकते हैं। तो सेठ जी कहते हैं अनिष्ट जी क्या मेरे से कोई अपराध हुआ, क्या मेरे से कोई अपराध हुआ। तब अनिष्ट कहते हैं नहीं, मैंने बड़ी कोशिशें की तेरे घर में लड़ाइयां हो, ना जाने मैंने क्या क्या किया, तू तो दुकान पर होता था, मैंने एक दूसरे की, तेरी बहुओं को काफी मैंने भड़काने की कोशिश की, बेटों को मैंने भड़काने की कोशिश की तेरे प्रति, लेकिन इतना प्रेम कहाँ से है तुम में, इतना प्रेम कहाँ से है जो तुम एक दूसरे से कभी लड़ते ही नहीं, एक दूसरे की, और जब तक बड़ा खाना ना खा ले तब तक छोटा खाना ही नहीं खाता, तो मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो सेठ जी ने उसको प्रणाम किया, जैसे आपकी मर्जी, और जैसे ही अनिष्ट गया उसी वक्त वहां मां लक्ष्मी फिर से प्रस्तुत हो गई।
हाँ, माँ लक्ष्मी सेठ के घर में वैसे ही प्रविष्ट हो गई। बोल माँ लक्ष्मी की जय। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस सेठ के घर में सदैव विद्यमान है, हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ लक्ष्मी, हम आपसे बहुत नहीं मांगते, हम इतना मांगते हैं कि जितनी जरूरतें हो उसको पूरा करना प्रभु। हमें कभी किसी आगे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु, सिर्फ तू मालिक है, दया करना, क्योंकि घर चलाना है प्रभु तो आप ही मालिक हैं, आप ही चलाएंगे। लक्ष्मी के बिना कोई कुछ खरीद भी नहीं सकता, तो वो सबके पास रहे लेकिन उतने वे में रहे कि कोई इतनी लक्ष्मी हो कि किसी को उसका अभिमान ना आने पाए। सदैव सद्बुद्धि रहे हमारे में, सदैव सद्बुद्धि रहे, और जितना भी मिल जाए तो हमेशा हम उस हरि के नाम को भूले ना। राम नाम मणि, राम नाम की जो मणि है, दीप धरूं, मतलब कि जो मैं दीप जलाऊं वो हे हरि, हे नारायण, वो तेरे नाम से जलाऊं। राम नाम मणि दीप धरूं, जीव देह हरि द्वार, जो मेरी जीव जो आपने मुझे ये देह दी है वो ऐसी हो जिस प्रकार हरिद्वार है पवित्र, ऐसी देह हमारी पवित्र हो। तुलसी भीतर बाहिर, तुलसी जैसा तुलसी माँ पवित्र है, हे प्रभु हे तुलसा माँ, ऐसी हमारे अंदर भी रहो, बाहर भी ऐसी ही रहो। जो चाहसी उजिया, हम तेरे से ही तो कहेंगे और किससे कहेंगे नारायण। अंधकार मेरा तुम ही मिटाओ, अंधकार मेरा तुम ही मिटाओ, राग द्वेष को तुम ही हटाओ, राग द्वेष को तुम ही हटाओ।
करें। हे नारायण आप सुन लीजिए, हम सब मिलके आपके चरणों में नमन कर प्रार्थना करते हैं। हमारे हृदय में आप बैठे हैं, हमें नजर आए प्रभु, ये वो दर्पण हमें दिखाए प्रभु, जिस दर्पण में आपने उस दिन अपना चेहरा देखा था, ऐसा हमें भी दिखाए कन्हैया। बड़ी सुंदर छोटी सी कथा थी, जब कृष्ण कन्हैया को माता ने बंद कर दिया घर में, अब बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल बाहर जाना बंद हो गया। किस लिए? सबने कहा था सखियों ने, यशोदा गणपति का वंदन किया कर, तेरा लालो सुधर जाएगो, ना ये ना सुधरेगो, खूब चोरी करे, खूब माखन खावे, खूब मटकिया तोड़े, और का बताऊं यशोदा, कभी कभी तो चूनर पकड़ ले, वे चूनर भी ना छोड़े। री यशोदा तेरे लाल की बुद्धि भ्रष्ट है गयो, गणपति को ध्यान धरो कर। कहती अच्छा, पूजा करने लगी जब गणपति की। अब कन्हैया ने कहा गणपति को मान तो देना है, सब सखाओं से कहा अपने अपने घर जाओ, अब बस घर में बैठेंगे कुछ दिन, कोई शरारत नहीं। जब शरारत बंद तो माँ को लगा गणपति भगवान आपने तो मेरे छोरे की बुद्धि सुधार दी, मेरा छोरा ठीक हो गो, अब तो माँ बड़ी खुश हो गई। लेकिन अब कन्हैया बाज आता है, कन्हैया के लिए सखियां तड़प रही हैं। जिसकी शिकायत लेके वो माँ के पास आती थी कि री माँ हमारी शिकायत सुन, तेरा कन्हैया ये करता है वो करता है, और आज देखिए आज वो तड़प रही है, क्या कह रही है। और इधर कन्हैया, ईश्वर अपने भक्तों के लिए तड़पते हैं, वो तड़प हमारे मन में ईश्वर के लिए नहीं होती। जब हमारे में भी वो तड़प होगी, जैसी तड़प वो गोपियों में थी, उन्होंने कोई कभी गहरे वस्त्र धारण नहीं किए, हर काम को करते करते सिर्फ हरि याद रहता था, सब काम करती थी, उनको संसार याद नहीं आता था, और हमें संसार भूलता नहीं, हमें नारायण याद नहीं आते, सिर्फ संसार में खोए हुए हैं। और गोपियों को कभी नारायण भूलते ही नहीं थे, इतनी ज्यादा नारायण भक्ति करती थी कि चूल्हे में लकड़ी जलाने के साथ साथ बेलन भी जला देती थी, नारायण का नाम लेते लेते होश ही नहीं होती थी कि नारायण में खोए हुए। आज क्या कह रही है, मटके लेके खड़ी है कि आजा प्रभु दही तो खा जा, दही जरा सा, दही जरा सा ले जा, दही जरा कह रही है दही ले जा, और हमारे को दर्द दिखा जा, दही जरा सा, दही जरा सा ले जा, दही जरा सा ले जा, प्यार जरा सा ले जा, दही जरा सा ले जा, प्यार जरा सा, दही में भी वो उस कन्हैया को ही देखे, और इतना प्रेम कि लगे अभी भी वो मुझे कुछ कह रहा है, वो मेरे छीके को छू रहा है। तो क्या कहती है, मेरे छीके पे लिखा है नहीं।
हमें बताती है कि हमारा मन जो है ना वो वानर की भांति चंचल है। वानर की भांति श्री भागवत में हमारे मन को वानर बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि वो एक जगह टिकता नहीं। वानर टिकता है कहीं पर। श्री भागवत हमें कहते हैं, ठाकुर जी हमें कहते हैं, श्री सुखदेव जी हमें बताते हैं कि वानर वानर की तरह चंचल मन होते हुए भी यदि तुम वानर की एक प्रवृत्ति को भी अपना ले हम लोग, तो भी तुम उस मुक्ति को पा सकते हो जिस मुक्ति को 7 दिन में राजा परीक्षित ने पाया था। किस प्रकार? जैसी वानरों ने भक्ति राम जी के प्रति की थी, जैसी वानरों के जन्मों पे जन्म, जन्मों पे जन्म, जन्मों पे जन्म होते गए, क्या राम जी का जब भी नाम आता है, सब साथ में युद्ध की बात होती है तो वानरों का भी नाम याद आता है ना हमेशा, तो उनका साथ होने पर वानर भी सदैव अमर हो गए। उनका मन इतना स्थिर रहता है, कभी भी वो राम फल और सीता फल को भोग नहीं लगाते, कभी भी उन दो चीजों का कभी भोग नहीं लगाते। और हम, हमारी रसना, हम कभी भी कुछ भी खा जाते हैं। और कन्हैया, जब कन्हैया वानरों को पता है कि हमारे इष्ट यही राम थे, आज वो कृष्ण रूप बन कर आए हैं, तो हमेशा उनके आसपास रहते हैं। और कन्हैया उनको कहता है वानरों के ऊपर हाथ करके, मैं तुम्हें उस वक्त तो कुछ नहीं खिला पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम था ना, मर्यादाएं थी बड़ी, अब पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, अब मैं तुम्हें पुष्ट करके रहूंगा, भूखा नहीं छोड़ूंगा।
भूखा नहीं छोड़ूंगा कन्हैया, सबके प्रति पुष्टि पुरुषोत्तम है। लेकिन हमें अपने मन से भी तो प्रेम दिखाना होगा, तभी तो ईश्वर हम पर कृपा करेंगे। हम तो लेने की सोचे और हम कभी देने की सोचे ही ना, ऐसा हो सकता है क्या कभी? ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर हमसे पैसे मांगता है? नहीं, ईश्वर हमसे सिर्फ प्रेम चाहता है। इतना प्रेम, हम कितने भी व्यस्त हो, अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल के कथा में बैठते हैं, अगर कथा का, श्री भागवत का एक छोटे से छोटा शब्द भी हमने मनन कर लिया, तो सच कहते हैं, भागवत कहते हैं कि हमारी मुक्ति होना उसी वक्त तय हो गया, उसी वक्त तय हो गया। क्योंकि दिन भर हमें कई कार्यों पे रहना है, कई बार इतने फंक्शंस होते हैं, हम उन फंक्शंस में जाते हैं, नेचुरली जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सत्संग जो होता है उसके लिए हम सोचते हैं कोई बात नहीं फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें सत्संग में भी जाना चाहिए। जब सब आप जैसे सब लोगों का संग हम सबको मिलता है, तो ईश्वर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की कृपा सदैव हम पर यूं ही बनी रहेगी। देखिएगा, आप देखिए कन्हैया क्या है। कन्हैया माखन ढूंढ रहा है कि अब मेरे घर में माखन कहाँ, माखन कहाँ है। तो बड़े बड़े घर होते थे, एक कमरा यशोदा मैया का जहाँ बड़े बड़े मटके रखे हैं, बड़े बड़े मटके रखे हैं। अब जी वहां पहुंच गए कन्हैया जी और देखा, अरे वाह, इसमें तो अब बहुत बड़े मटके हैं, कन्हैया अभी छोटा है। हाथ लगा के खड़ा हुआ और उसमें हाथ डाला और नवनीत पकड़ लिया, माखन पकड़ लिया हाथ में। अब जब माखन पकड़ा देखा, तो वहीं पे जो मैं अभी प्रतिबिंब की बात कर रही थी, वहां पे एक कांच का टुकड़ा पड़ा था, कांच का टुकड़ा। उसको उठाया नारायण ने, ठाकुर ने, उस ठाकुर जी ने उसे उठाया और उसमें देखा। अब हम प्रतिबिंब देखते हैं, हमें अपना चेहरा दिखता है ना, तो वहां पे भी जो कांच का जो टुकड़ा पड़ा था, कन्हैया ने वो पहली बार देखा था। उठा के देखा, अच्छा बच्चो, मेरे ही घर में चोरी, मेरे ही घर में चोरी, मैं तो जाऊं गांव में माखन लू, सखियों का चुराऊं, और दो बच्चों मेरे ही घर में चोरी करे। अब कन्हैया के हाथ में माखन, सामने वाले बच्चे के हाथ में माखन, जे बात, जे मैंने भी लिया, जे तेरे हाथ में भी, माँ को ना बताइए। अब जैसी आकृति जो वो बोले, वो सामने वाला भी बोले, ले मैं तुझे माखन खिला दूंगा, माँ को मत बताइयो। अब ये हाथ ये, तो वो बच्चा भी कहे मैं तुझे खिला दूंगा, क्योंकि वो तो कन्हैया जी है, अच्छा देख एक बात करते हैं, दोनों ही नहीं बताएंगे, ना तू बताइयो ना मैं बताऊंगा, दोनों खा लेते हैं पेट भर के। अब ये सारा दृश्य माँ यशोदा और माँ रोहिणी द्वार पे खड़ी देख रही है, द्वार पे खड़ी, क्योंकि किसी ने स्टोर हाउस खोला है, कमरा खोला है, गोदाम खोला है, भंडार गृह खोला है, तो पता चलेगा कि भाई कौन गया है। और जब गया है कन्हैया, तो मैया कहती है, सच कहते हैं गांव वाले, अभी बाहर नहीं जा रहा है तो चोरी, माखन चोर तो है ये। अब देखिए, तो उससे बात कर रहा है, अचानक कन्हैया को लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब जब कन्हैया ने देखा माँ चोर की दाढ़ी में तिनका, अब भाई बचना है, इसने पहले बता दिया तो मैं फंस जाऊंगा। माँ देख किधरा, ये रहा चोर, तू मन ने कह रही थी मैं चोरी करूं, देख रही माँ, ये रहा चोर, माँ ये देख चोर, माखन है हाथ में, उसको छुपा रहे, देख माँ ये रहा चोर। माँ कहती है कौन सा चोर, कन्हैया तूने माखन चोरा? ना माँ, मैंने चोरी ना करी, मैं तो इसकी रक्षा करने आया हूँ, मैं तो इसे बचा रहा था, कोई चोरी ना करे, माँ गांव में बहुत चोरी हो गई,
कहना रही थी सखिया बहुत चोरी हो गई। माँ मैंने तो सोचा घर का भंडार है, मैं नहीं ध्यान रखूंगा तो कौन रखेगा, मैं तो रखवाली कर रही हूँ। तो माँ मैंने देखा एक कालो कलूटो लड़को, माँ चोरी चोरी करे, कालो छोरो माँ कालो, बिल्कुल घड़ो कालो माँ घड़ो कालो। माँ की अब अंदर अंदर हंसी निकले, और वो हंसी निकले कि कन्हैया को नहीं पता कि खुद को देख रहे, कन्हैया को नहीं पता। अब कन्हैया कहती है, कन्हैया को कहती है माँ दिखा काय छोरा काला, माँ इधर आ। अब हाथ को छुपाए, कभी तो हाथ आ गया है माँ, फिर छुपा ले कि मेरा माखन ना दिख जाए माँ को, मेरा माखन ना दिख जाए माँ को। माँ देख अब वो शीशा ऐसे रखा था, तो देख माँ ये रहा वो कालो छोरो, देख माँ कह रहा था ना मैं झूठ नहीं बोलता, मैं देख रहा कालो छोरो। माँ कहती कन्हैया ये तू है ना, माँ मैं ना हूं इतना कालो, तू मुझे काला कह रहे थे, माँ मैं काला नहीं हूं। माँ ये देख इसके हाथ में माखन, देख माँ ये रहा माखन। अब हाथ दिख रहा है, जब बात कर रहा है तो हाथ भी दिख रहा है। अब माँ की हंसी बंद ना हो, रोहिणी माँ भी हंसे, रोहिणी माँ भी हंसे कि देखे क्या कर रहा है। माँ ने कहा लाला ये तू ही है ना, माँ मैं नहीं हूँ, ये दूसरा बच्चा लाला चोरी कर रहा था। मैया ने क्या किया, अच्छा तू मुझे तो तूने देखा है मैं कैसी हूँ। हाँ माँ मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे देखा है, तो कहती है चल ठीक है इधर आ। और माँ ने उसको गोदी में उठाया। अब जब प्रतिबिंब के आगे माँ आई तो माँ देख कहती है लाला मैं तेरी माँ हूँ ना, उस लाला के बच्चे की भी माँ क्या मैं हूँ। अब कन्हैया देखे माँ तो मेरी वही दिख रही है, माँ तो ये वही है लाला, माँ तू उसकी भी माँ है। नहीं लाला ये प्रतिबिंब होता है, ये शीशा होता है, अभी आज तक तुझे नहीं देखा ना प्रतिबिंब, जैसे हम हैं वैसे उसमें, जैसे जल में चेहरा नजर आता है ऐसे उसी में नजर आता है, प्रतिबिंब है ये। तो लाला अब क्या करे, ये तो कहता है मैया काला, ये लाला तू ये कालो कलूटो, माँ मैं कालो ना हूं, मैं कालो ना हूं। और मक्खन हाथ में था ना, दोनों हाथों पे गोदी में माँ की, दोनों हाथों पे लेके मुंह पे लगा ले, देख माँ गोरो हो गयो, देख माँ गोरो हो गयो। माँ यशोदा ने उन्हें सबसे पहले कलुआ बोला था, कलुआ कलुआ कहा था, तो तब से उनका एक नाम कलुआ भी हो गया। और आपने देखा होगा कई बार लोग काले होते हैं, मुंह पे कच्चा दूध लगाने को कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कन्हैया अपने मुंह पे मक्खन लगाते थे कि मैं गोरा हो जाऊं, मैं गोरा हो जाऊं। तो मक्खन निकालने का कलयुग में टाइम नहीं, तो लोग कच्चा दूध मलने लगे उससे गोरे। बोल श्री बाकी बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, आज
माँ को लगा शायद मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना बना के नहीं देती, इसलिए मेरा बच्चा माखन चुराता है। माँ को क्या लगा, अब घर बहुत बड़ा है माँ का, यशोदा मैया का, कन्हैया जी का घर बहुत बड़ा है, तो माँ क्या कहती है, आज से अपने पुत्र के लिए भोजन मैं खुद बनाऊंगी। अपने पुत्र दूध पीता है छोटा है, लेकिन उसके लिए मक्खन वगैरह बनाना, अब इतना बड़ा घर है, बड़े बड़े भंडार भरे हैं, अकेली माँ यशोदा तो कुछ नहीं कर सकती, काफी सारे नौकर चाकर भी घर में होते हैं, तो उन्हें लगता कि शायद मैं अपने पुत्र के लिए अपने हाथों से मक्खन नहीं बनाती ना, तो इसलिए मेरा पुत्र जगह जगह जाकर चोरियां करता है, जगह जगह जाकर माखन चुराता है। देखिए तो वो क्या कहते हैं कि अब से मैं अपने पुत्र के लिए स्वयं भोजन बनाऊंगी, और जब तक मैं अपने पुत्र, और यहाँ पे पुत्र से तात्पर्य नहीं, यहाँ पे उस हरि के लिए भोजन बनाने से तात्पर्य है, जब एक माता, एक बहू, एक बेटी या पुरुष को भागवत में अभिमान का बताया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि नारी अगर ममता का स्वरूप है, पुरुष अहंकार का रूप है, लेकिन अगर पुरुष का प्रेम, पुरुष का विश्वास अगर उस गोपी के प्रेम की तरह हो जाएगा, तो भागवत कहती है रास में उन्हें भी जगह मिलेगी। रास में देखा था ना, रास में किस प्रकार शिवजी आए थे ना, शिवजी महाराज आए थे, किस प्रकार कह रहे थे मेरा जूड़ा बना दे, मुझे भी ले चल, जब सब सखियां जाती थी, ये भी कथा बहुत अच्छी है। तो कहते हैं कि किस प्रकार वो आए थे, शिवजी महाराज आए थे, उस प्रकार यदि पुरुष अपना अहंकार छोड़ दे, पुरुष यदि अहंकार छोड़ के जैसा नारी में ममता है, प्रेम है, उस ममता प्रेम को विश्वास को अपना ले, तो कृष्ण के साथ रास में वो भी शामिल हो सकते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपने ओर आकर्षित कीजिए। आज माँ यशोदा का मन इतना प्रफुल्लित है, आज माँ यशोदा का मन घर में नहीं, सिर्फ उस कन्हैया की तरफ है, कृष्ण की तरफ है। ईश्वर से मन का दूर होना ही तो बंधन है। श्री भागवत कहती है ईश्वर से अगर हमारा मन दूर है, इसका मतलब हम अभी बंधन में बंधे हुए हैं। कई सारे संबंधियों के बंधन में बंधे हैं, और हमें पता है कि हर किसी ने अकेले अकेले जाना है। सिर्फ हमारे साथ क्या जाएगा, जो भी हमने ईश्वर का नाम लिया है, कर्म जाएंगे हमारे, डेबिट क्रेडिट जाता है ना, बैंक में जब हम जमा करते हैं, जमा हमारे लिए कोई भी करा सकता है, लेकिन निकाल हम ही सकते हैं। वो कथा देखी थी हमने उस दिन डाकू की, जो तुलसीदास जी बने, किस प्रकार उसी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी अपने परिवार के लिए करें, सदैव हम अच्छी नियत से करें, हर कुछ जो भी हम कमा के लाए वो ईश्वर के चरणों में रख दे, ईश्वर के चरणों में रख दे। एक बहुत गरीब किसान, उसकी पत्नी खेती बाड़ी करते, जो भी कमाते, किसी वर्ष बारिश ना भी होती तो बारिश की वजह से अन्न नहीं उपजता, शायद ऐसा भी कुछ है, बारिश हर चीज के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी है वक्त पर, लेकिन उस परिवार ने कभी भी कृष्ण को, ठाकुर जी को कभी नहीं कहा कि हे प्रभु आपने इस बार हमें भूखा क्यों रखा। कई कई बार ऐसा हो जाता, बेचारे भूखे रहते, कृष्ण को उन पर बहुत दया आई, कन्हैया को, हमारे ठाकुर जी को, किसान पर, उस गांव पर बड़ी दया आई, क्योंकि एक किसान के खेत में तो बारिश होगी नहीं, जब बारिश होगी तो पूरे गांव में, सावन में कहीं पे होती है, कहीं पे नहीं भी होती, ऐसा होता है,
लेकिन जो किसान का गांव था वहां अच्छी बारिश हुई, बहुत अच्छा खेत खलियान हुआ। तब एक बार कृष्ण के मन में आया कि मैं, मेरा इतना प्रेमी है वो, इतना प्रेम करता है, इतनी भक्ति करता है, आज मेरा मन है मैं उसे साक्षात दर्शन दूं, उसके समस्त दुख दूर कर दूं किसान के लिए। जब जाने लगे तब माँ लक्ष्मी कहती है, प्रभु कहाँ चल दिए? प्रभु कहते हैं, टोक दिया ना बीच में, टोक दिया ना, जब मैं कहीं जा रहा हूँ मुझे पीछे मत बोला करो कहाँ जा रहा हूँ। कहती है, टोक दिया, मैं तो पत्नी हूँ तुम्हारी, पूछ सकती हूँ कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे? किसी काम से जा रहा हूँ भगवान, किसी काम से जा रहा हूँ, तेरे मतलब का काम नहीं है, मेरा काम है मैं कर लूंगा। कहती है, मैं भी चलूंगी। कहती है, मैं भी चलूंगी। माँ लक्ष्मी कहती है, मैं भी चलूंगी। लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा ही काम है, मैं करके आ जाऊंगा। कहती है, नहीं, जब मैंने कहा चलूंगी तो चलूंगी, और नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें जाने दूंगी। द्वार बंद कर दिया, द्वार बंद कर दिया माँ लक्ष्मी ने। अब कृष्ण जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, इनसे क्या मैं लड़ाई करूं, चलो, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कहते हैं, ठीक है, बताओ, जहां पहुंचूंगा वहीं बताऊंगा। कहती है, ठीक है। माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है। अब जी, जहां नीचे एक जगह पर धरती पे दोनों जने आए, तब कन्हैया कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी को, देवी मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें इसी जगह पे रुके रहना है, इसी जगह पर खड़े रहना है, तुम्हें खड़े रहना है, जब तक मैं ना हूं यहां से हिलना मत, ये शर्त है मेरी। लक्ष्मी कहती है, ठीक है। कहती है, बता तो तू जा कहां रहे हो? कहते हैं, जब मैं कह रहा हूँ किसी काम से कह रहा हूँ, अब मैंने शर्त रखी थी, जब मैं तुम्हें यहां तक ले आया धरती पर, अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि मेरी शर्त मानो, मेरी शर्त मानो, नहीं मानोगे तो उचित नहीं होगा। कहती, ठीक है स्वामी, जाइए, मैं यही खड़ी हूँ। अब नारी का जो मन है ना, वो बड़ा विचलित हो जाता है कि पति गया कहाँ। अब लक्ष्मी जी सोचे, गए कहाँ, मुझे पता तो चले, मुझे पता तो चले कि मेरे ठाकुर जी गए कहाँ हैं। अब उसी दिशा में पीछे पीछे चल दी, दक्षिण दिशा में। जब जा रही है, उसने देखा इतने सुंदर सरसों का खेत, बहुत सुंदर सरसों का खेत, बहुत सुंदर, और इतने सुंदर फूल ही फूल हर जगह खिले हुए, बहुत सरसों के फूल, कितने पीले पीले सरसों के फूल, तोड़ तोड़ के माता ने उसकी माला बना ली, कानों में पहन लिए, हर जगह अपना श्रृंगार कर दिया, पूरी पीली पीली नजर आने लगी, सरसों सरसों सजा ले पूरे में, थोड़े बड़ा बड़ा मगन थी, बड़ी खुश थी कि इतना सुंदर खेत। थोड़ी सी आगे गई तो गन्ने लहरा रहे, गन्ने तोड़े, कुछ बांध लिए कि ठाकुर जी और हम खाएंगे, और एक गन्ना तोड़ के खड़ी खड़ी छील के खाने लगी। एकदम से सामने से कन्हैया आ गए, ठाकुर जी आ गए, देवी हमने आपको मना किया था, आप उस जगह से हिली क्यों, आप उस जगह से हिली क्यों? तो कहते हैं, मैं तो देखना चाह रही थी आप कहां जा रहे हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे को तो अभी भी नहीं पता तुम कहां गए थे। पत्नी अपने पति से कह रही है, आपने ये पुष्प जो, आपने ये जो सरसों के फूल लगाए हैं, आपने किससे पूछ के लगाए, किससे पूछ के लगाए, और ये जो आपने गन्ना तोड़ा, जो आप खा रही हैं, जो आपने बांध के रखा, क्या आपने किसान से पूछा? कहते नहीं। कहते, तुमने उसकी लहलहाती फसल को, जो उसकी मेहनत थी, कम से कम उससे पूछती तो सही, पूछती तो सही, वो आज हमें भोग लगाने वाला था, और तुमने बिना पूछे उसके खेत को इस तरीके से उजाड़ दिया, तुमने कितनी सरसों तोड़ ली, कितने गन्ने तोड़े, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। माँ लक्ष्मी को श्राप दिया उस दिन ठाकुर जी ने, कि तुम एक जिसका, जिस किसान का ये खेत है, मैं उस किसान के घर ही गया था, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 12 साल तक रहकर तुम्हें इस किसान और उसके पत्नी की सेवा करनी होगी, उसकी सेवा करनी होगी। उस सेवा में भी देखिए, ईश्वर भला करना चाहते हैं।
माँ लक्ष्मी तो उनसे 12 सालों के लिए अलग हुई, लेकिन किसान का देखिए कैसा भला किया। माँ लक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्री का रूप बनाया, किसान के घर में आई कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरा और कोई नहीं है। आई, जब घर पर आई, अपने हाथों से बैठे बैठे आंगन में एक ठाकुर जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई माँ लक्ष्मी ने, और किसान की पत्नी से कहा कि माता जी, कल सुबह आप जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके माँ लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाना, देसी घी का दीपक जलाना, देखिए आप कितने ज्यादा धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। और माँ लक्ष्मी ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी की अपने हाथों से मूर्ति बना रही है कि इस मूर्ति की मंदिर में विस्थापन करना और पूजा करना, ऐसा कहा। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से वो लिया, और जब अगले दिन उन्होंने पूजा की, शाम के वक्त सुबह शाम पूजा करने लगे, जब खेत में पति पत्नी जाते तो माँ लक्ष्मी पूरे घर का चौका बर्तन करती, सब करती। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने वहां रहकर किसान की सेवा की। किसान बहुत धनी हो गए, किसान बहुत, जहाँ माँ लक्ष्मी होगी तो वहां कितना किसान के खेत, जहाँ वो कुछ चीजों के लिए परेशान रहता था, आज उसके बड़े बड़े ऑर्डर जाने लगे कि कहाँ कितनी जमीनें खरीद ली, बड़ा किसानों में गिनने लगे उस किसान को। जब 12 वर्ष बीत गए, आज ठाकुर जी आए वहां, ठाकुर जी ने कहा, लक्ष्मी चलो तुम्हारा श्राप का समय मुक्त हुआ, श्राप का समय मुक्त हुआ, अब हमें चलना है। किसान ने कहा, प्रभु मैं तो इन्हें जाने नहीं दूंगा। हाथ पकड़ लिया तो कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, नटवर हमारे ठाकुर जी कहते हैं किसान को कि पुत्र, लक्ष्मी ने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे खेत में से सरसों तोड़ी थी और गन्ना तोड़ा था। इसका तात्पर्य हमें किसी भी चीज को किसी से बिना पूछे नहीं लेना। दूसरा तात्पर्य अभी हमारे सामने आने वाला है कि ये इसने बिना पूछे तुम्हारे खेत को नुकसान पहुंचाया था, ये उसकी सजा थी, 12 वर्ष का मैंने श्राप दिया था। तो किसान कहता है, प्रभु हमारी गलती बताएं, हमारे पास तो ये 12 वर्षों से रही, इसने इतनी सेवा की, आज मैं अपने पुत्री को कैसे जाने दूं। तो पुत्री माँ लक्ष्मी कहती है कि आज धनतेरस है। क्या कहती है? आज 13वीं है कार्तिक मास का, 13वीं है, आज का दिन धनतेरस होता है। शाम को हर जन माँ लक्ष्मी श्री गणेश के आगे, ठाकुर जी हो वहां, उनके आगे तांबे के कलश में सिक्के भर के रखे। तांबे के कलश में माँ लक्ष्मी ने कहा कि तांबे के कलश में सिक्के भर के रखे और देसी घी का दीपक जलाए, मैं तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा ये जो लक्ष्मी माँ ने बात थी, इस बात को किसान ने तब से किया और सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही। आज धनतेरस का दिन है, हे माँ लक्ष्मी हम पर भी ऐसे ही कृपा करना, हे ठाकुर जी सदैव हम सब पर अपना प्रेम प्यार आशीर्वाद अपना सदैव यूं ही कृपा बनाए रखना कि इस वाणी से सदैव आपका कीर्तन हो, इन कानों से सदैव आपकी कथा सुनते रहे और मन से हृदय से ये जो आपने जीवन में त्योहार बख्शे हैं प्रेम पूर्वक सबके साथ मिलकर इन त्योहारों को मना सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज सब माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार तांबे के कलश में, अगर हम तांबे का कलश लाकर उसमें सिक्के भर कर रखे, शायद माँ लक्ष्मी की यही कृपा हो, तो हम जरूर कोशिश करें, बाकी आगे ठाकुर जी जैसा चाहिए। ये शांति गीत Yeah.
हृदय से प्रणाम।